नमस्कार छात्रों, जैसे कि आप लोग जानते हो मैं आप लोगों की अध्यापिका सुप्रीता। आज के बोधन विषय है संधि। संधि की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। संधि शब्द का अर्थ है मेल। जब दो या अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है तब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल के कारण कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन अथवा विकार को ही संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए रमा ईश रमेश, अ ई ए, कपि ईश कपीश, ई ई ई। चलिए जानते हैं अभी संधि के कितने भेद हैं। संधि के भेद, संधि में तीन प्रकार होते हैं। उसमें से पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के योग से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में हम लोग पांच भेद को देख सकते हैं। वो है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई तथा उ अपने ह्रस्व या दीर्घ रूप से मिलते हैं उस स्वर का दीर्घ रूप हो जाता है, जैसे आ ई उ। यहाँ पर आप लोग कुछ उदाहरण देख सकते हो। परम अर्थ परमार्थ, शिव आलय शिवालय, विद्या अर्थि विद्यार्थी, महा आशय महाशय, दीप आवली दीपावली, हिम आलय हिमालय, सीता अर्थ सीतार्थ, विद्या आलय विद्यालय। दीर्घ संधि में यहाँ पर भी कुछ उदाहरण हैं, देख सकते हो आप लोग। रवि इंद्र रवींद्र, कपि ईश कपीश, मही इंद्र महेंद्र, नदी ईश नदीश। ये सभी ई अक्षर के संधियाँ हैं। और हम लोग उ शब्द के वहाँ से हम लोग देखेंगे। भानु उदय भानुदय, सिंधु ऊर्मि सिंधूर्मि, वधु उत्सव वधूत्सव, वधु ऊर्मि वधूर्मि। आगे भी आप लोग थोड़ा उदाहरण देख सकते हो। दूसरा है गुण संधि। ह्रस्व या दीर्घ अ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ ई से हो तो ए हो जाता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ उ हो तो वो तथा ऋ हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे देव इंद्र देवेंद्र, लोक ईश लोकेश, रमा इंद्र रमेंद्र, रमा ईश रमेश, नर इंद्र नरेंद्र, देव ईश देवेश, महा इंद्र महेंद्र, लंका ईश लंकेश, सूर्य उदय सूर्योदय, जल ऊर्मि जलोर्मि, महा उत्सव महोत्सव, महा ऊर्मि महोर्मि, पर उपकार परोपकार, सूर्य ऊष्मा सूर्योष्मा, गंगा उदक गंगोदक, गंगा ऊर्मि गंगोर्मि। तीसरा है वृद्धि संधि। अ आ का ए ऐ से मेल होने पर ऐ तथा अ का ओ औ से मेल
होने पर अव हो जाता है इसे वृद्धि संधि कहा जाता है। जैसे कि एक एक एकैक मत ऐक्य मतैक्य सदा एव सदैव महाेश्वर महेश्वर पुत्र एशन पुत्रेशन परम ऐश्वर्य परमेश्वर्य तथा एव तथैव विद्या ऐश्वर्य विद्यैश्वर्य जल ओध जलौध परम औषध परमौषध महा ओज महौज महा औदार्य महोदार्य। यण संधि जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ या ऋ का मेल अन्य असमान स्वर से होता है ई का य वो उ का व तथा ऋ का र होता है उसे यण संधि कहते हैं। अति अधिक अत्यधिक अति आचार अत्याचार दासी अपराध दास्यापराध नदी आगमन नद्यागमन यदि अपि यद्यपि इति आदि इत्यादि देवी अर्पण देव्यर्पण देव्यागमन। यहाँ पर कुछ और उदाहरण है, देख लीजिए। अयादि संधि ए ऐ और ओ औ का मेल किसी भी स्वर के साथ होने पर उनके स्थान पर क्रमशः ऐ औ औ हो जाता है इसे अयादि संधि कहते हैं। छे अन चयन गई अन गयन पो अन पावन ने अन नयन गई अक गायक बो अन भवन आव आ आव आव ई आवी पाव अन पावन नाव एक नावी। व्यंजन संधि व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के मेल से पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक अंबर दिगंबर उद्योग उद्योग उच्चारण उच्चारण संपूर्ण संवाद संवाद। विसर्ग संधि विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन अनुकूल मनोनुकूल नि जन निर्जन नि चल निश्चल तप धन तपोधन आशीर्वाद आशीर्वाद। इतना संधि के बारे में आप लोगों को मैंने जानकारी दिया है। आगे की समास को हम लोग दूसरी कक्षा में संपूर्ण करेंगे। तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।